वेलकम फ्रेंड्स, डीआरके नॉलेज यूट्यूब चैनल द्वारा जो सोशल स्कीम सेशन चलाया जा रहा है उस सोशल स्कीम सेशन में आपका स्वागत है। सोशल स्कीम सेशन में फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन एक सरकारी योजना से संबंधित वीडियो डाली जाती है। यह सरकारी योजना केंद्र सरकार से संबंधित या राज्य सरकार से संबंधित किसी से संबंधित हो सकती है। हम सारी जो सरकारी योजना, चाहे वह केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, सारी योजनाओं को इस सेशन में कवर करने वाले फ्रेंड्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी योजना से, आपसे संबंधित जब योजना की वीडियो डले तो आप उस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो आपके मन के डाउट्स है, उनको क्लियर कर सके। आज की योजना की बात करें तो आज की योजना हमारी केंद्र सरकार से संबंधित योजना, जिसका नाम है स्पिन योजना। स्पिन योजना को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में SPIN बोलते हैं। स्पिन योजना को SPIN इसे कहा जाता है। स्पिन योजना की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, स्पिन योजना जो कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जो कमीशन है, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, जो कि जिसने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के सेवा दिवस के मौके पर, जो कि 17 सितंबर 2021 को मनाया जाता है, उस दिन इस योजना की शुरुआत की थी। 17 सितंबर 2021 को स्पिन योजना की नामक विशिष्ट योजना की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई थी। KBIC के इस योजना द्वारा, जो स्पिन योजना के तहत KBIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो है कुमारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि कुमारों को उनकी गतिविधियों एवं विविधता लाने और उनकी आय को बढ़ाने में मदद करता है। अर्थात कुमारों को जो KBIC के द्वारा इस योजना के तहत जो है आसान तरीके से ऋण उपलब्ध किया जाता है, करवाया जाता है, जिससे कुमार अपनी गतिविधियां और अपने गतिविधियों, अपने जीवन में आय बढ़ाने के स्रोत लगा सके। इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए जो है ऋण प्रदान करता है। आगे देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। हर हाथ में काम, हर हाथ में नौकरी टैग के द्वारा प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप स्थानीय स्वरोजगार और सृजन के जरिए सतत विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य, अर्थात कुमारों का सतत विकास करना और स्वरोजगार का सृजन, स्वरोजगार का जो खुद का स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनने इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इस योजना से संबंधित। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्रीय एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने वाराणसी से स्पिन योजना का शुभारम्भ किया था। वाराणसी के अंदर से किसने किया था? राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने इस योजना का शुभारम्भ किया था। यह बिना सब्सिडी वाला कार्यक्रम है, जो कि प्रधानमंत्री, जो कि पंजीकृत कुमार, जो पंजीकृत है ऐसे कुमारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत ऋण जो है बैंकों से सीधे ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। स्पिन योजना के तहत KBIC RBL बैंक के माध्यम से कुमारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुविधादाता के रूप में कार्य कर रहा है, और इस योजना को चुनने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। मतलब उनको प्रशिक्षण प्रदान भी किया जा रहा है कुमारों को, ताकि वे अपनी आय के स्रोत को बढ़ा सके, अपनी आय बढ़ा सके, इनकम बढ़ा सके। उन स्रोतों को लगाने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने कुमार अपने जो बर्तन है उनको बनाने के लिए नई नई टेक्निक्स का उपयोग कर सके। योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड में 780 कुमारों ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से वित्तीय सहायता के लिए पंजीकरण करवाया था, और योजना के प्रभावियों को जो है 780 इलेक्ट्रिक पावर व्हील, बिजली से चलने वाले चाक को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो नई टेक्निक के तहत पर जो इलेक्ट्रिक पावर व्हील, जो बिजली से चलने वाले चाक है, जो पहिए हैं जिन पर कुमार बर्तन बनाता है, उनको मंजूरी दी थी इलेक्ट्रिक पावर व्हील को। वाराणसी के भट्टी गांव में खासी पावर क्लस्टर का उद्घाटन किया था। स्फूर्ति योजना के तहत, जो कि KBIC द्वारा स्थापित वाराणसी जिले की पहली पावर क्लस्टर है, इसका जो है उद्घाटन किया गया था। इसकी बात करें तो स्फूर्ति योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि स्फूर्ति योजना का इसमें क्या संबंध है। देखिए स्फूर्ति योजना, जो कि भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति योजना का आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पारस्परिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों को विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत जो है पारंपरिक उद्योग में लगे कारीगरों को कुशल विकास किया जाएगा, और उन योजना के तहत अंतर्गत अपेक्षित उद्योगों को फंडिंग की जाएगी। मतलब जो छोटे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग है, उनको जो है फंडिंग करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको कौशल प्रशिक्षण देने
के लिए स्फूर्ति योजना की जो है शुरुआत की गई थी। स्फूर्ति वाराणसी के भट्टी गांव में काशी पॉलिस्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया था। स्फूर्ति योजना के तहत KBIC द्वारा स्थापित वाराणसी जिले में पहला जो है पोल्ट्री क्लस्टर खोला गया था। पोल्ट्री जो लघु उद्योग के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उन पर पोल्ट्री कला की जाती है, एक उस पोल्ट्री क्लस्टर का जो है यहाँ पर जो है पहला कार्यालय खोला गया था। और स्फूर्ति योजना के तहत जो है ये जो KBIC में स्थापित स्फूर्ति योजना के तहत इसका जो है कार्यालय खोला गया था। इस योजना के तहत वासी खादी और शहद जैसे ग्रामीण SME जो उद्योग है उनसे जुड़े कारीगरों को क्षमता का विकास करना है। इस योजना में पारस्परिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों को तेजी लाने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों को ट्रेनिंग प्रदान करने के साथ साथ कारीगरों को एक्सचेंज भी किया जाएगा, जिससे कारीगरों को दूसरे उद्योगों से संबंधित काम भी सीख सके। इस कारीगरों को एक्सचेंज के होने से कारीगरों में क्षमता बढ़ेगी, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे जगह से, ताकि वो अपने अपने जो है हुनर है उसके साथ अपनी जो काम है उसको दूसरी पीढ़ी में फैला सके। KBIC ने भारतीय कुमारी कर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की थी। तो ये थी स्पिन योजना की बात करें तो फ्रेंड्स कुमारों के लिए है, और जो कि 17 सितंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी, और जो इसके द्वारा जो है ऋण प्रदान किया जाता है कुम्हारों को, ताकि वह अपना सतत विकास कर सके और स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।